टी10 क्रिकेट लीग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बेहद कमाल का प्रदर्शन किया। अफरीदी ने गेंद और बल्ले दोनों से विरोधियों को काफी परेशान किया। अपने टी20 करियर के पहले ही मैच में अफरीदी ने हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। अफरीदी अब सेंट मार्गरेट्स आइस क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट में भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन स्विट्जरलैंड में होगा और इस टूर्नामेंट में क्रिकेट से संन्यास ले चुके क्रिकेटर्स भी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में भारत से वीरेंद्र सहवाग के अलावा मोहम्मद कैफ भी काफी दिनों के बाद क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर भी इसमें हिस्सा लेंगे। श्रीलंकाई टीम से महिला जयवर्धने और लसित मलिंगा भी खेलते नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट के आयोजकों का कहना है कि ICC से इसकी मंजूरी ले ली गई है। इस टूर्नामेंट में खेले जाने वाले मैच -20 डिग्री से भी कम तापमान में होंगे, जिस वजह से मैटिंग पिच को तैयार किया गया है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में प्लास्टिक की लाल गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस गेंद का वजन दूसरे गेंदों की तुलना में काफी अधिक होता है। 8 और 9 फरवरी को खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।